नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2022 को निर्गत एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 की। इसके द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वैकेंसी निकली है 2187 पदों के लिए। इस एडवर्टीजमेंट की प्रतीक्षा सभी कैंडिडेट्स जो डिफरेंट कंपटीशंस की तैयारी में लगे हैं वो कर रहे थे। मैं आज सिर्फ एक बिंदु की इसमें चर्चा करना चाहूँगा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र और आय एवं संपत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र, तो इस संबंध में चूंकि उसमें लिखा हुआ सक्षम पदाधिकार, मैं सिर्फ इसी बिंदु को इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्रांक 1273 दिनांक 29/1/2021 निर्गत किया गया है और ये इसकी कॉपी भेजी गई है सभी विभागों को, सभी आयोगों को, सभी डिविजनल कमिश्नर्स कलेक्टर्स को भी ये कॉपी भेजी गई है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो परिपत्र 673 दिनांक 8/3/2011 है और अधिसूचना 2622 दिनांक 26/2/2019 है, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकार थे, लेकिन अभी जो ये संशोधन हुआ 1273 पत्रांक के द्वारा, इसके द्वारा राजस्व पदाधिकारी सक्षम पदाधिकार घोषित किए गए हैं। मैं सभी कैंडिडेट्स के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। आप निश्चित तौर पर जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, उसमें जाएँ, उसका अध्ययन खूब अच्छे से करें और उसके अनुसार जो एलिजिबिलिटी है, जो सर्टिफिकेट है कैसे बनाना है, जमा करना है, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, डेट है और इश्यूइंग अथॉरिटी का डिजिग्नेशन है, वो सब के विषय बिंदु पर खूब अच्छे ढंग से अध्ययन करें। मैं बाद में आवश्यकता अनुसार फिर वीडियो जारी करूंगा, लेकिन आज पुनः जाति, आय, आवास, नॉन क्रिमिनलियर प्रमाण पत्र और आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र जो प्रपत्र एक है ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए ये बतला दूं कि सक्षम प्राधिकार बिहार सरकार ने सरकारी नियोजन एवं अन्य परियोजनाओं के लिए अंचल अधिकारी के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को नामित कर दिया है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।